हा स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अद्रोनाज प्रोविंसर हियर विद वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स डेट इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट कंपिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक रेलवे एन टी पी सी विच इज़ गोइंग टू बी हेल्थ विच स्टार्ट फ्रॉम डिसम्बर इसका एग्जाम डिसम्बर से स्टार्ट होगा उसके बाद सी एच एस एल का भी एग्जाम है आई बी पी एस क्लॉक मेन्स है साथ साथ में डब्ल्यू बी सी भी है ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्लियर और इसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है पी का आई हो गया ये सब एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी वन या टू मार्क्स का क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांसेस है ठीक है नाउ अवॉर्ड एंड ऑनर्स में हम लोग देखो ये क्वेश्चन कर रहा है गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनुपम ओके दिस क्वेश्चन इज आई स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है तो प्लीज कमेंट करना ओके जिस सेशन को कमेंट कर देना एक बार, ग्रैमी अवार्ड देखो ग्रैमी अवार्ड तो याद है इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है हु प्रेजेंट दिस अवार्ड ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है? दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी याद करना ओके रिकॉर्डिंग एकेडमी विल प्रेजेंट दिस अवार्ड ओके ग्रैमी अवार्ड याद करना इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला था याद देखो यहाँ पे बेली एलिस बैड ग्वाय के लिए ये अवार्ड मिला था रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेली एलिज का जो बैड गुआई है रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर नेक्स्ट लुक यो एल्बम ऑफ द ईयर एल्बम ऑफ द ईयर फिर बेलीलिस का है ठीक है वन वी ऑल फॉल ए स्लीव वे डू वी गो याद करना एल्बम ऑफ द ईयर एल्बम ऑफ द ईयर बेलिलिस का है वेन वी ऑल फॉल ए स्लीव वे डू वी गो नेक्स्ट देखो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये भी इसी का है तो बहुत ईजी है याद करने के लिए क्लियर याद करने के आप लोगों को बहुत ईजी है रोशीला गुड आफ्टरनून नेक्स्ट देखो बेस्ट रैप और सॉन्ग परफॉर्मेंस जी डे खाक फीचर्स ओके ये भी देख बहुत इंपॉर्टेंट है नीवशे होसल्स एंड जोन लेजेंड का मे हायर जो है ये भी क्या हो गया बेस्ट रैप और श्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर सबसे इंपॉर्टेंट याद करना ग्रामी अवार्ड फर्स्ट कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रामी अवॉर्ड इंस्टीट्यूट हुआ था मे इट वॉज इंस्टीट्यूट इन मे नाइनटीन फिफ्टी नाइन में इंस्टीट्यूट हुआ था मे नाइनटीन फिफ्टी नाइन में ग्रामी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड हुआ था ठीक है ये दिया जाता है द रिकॉर्डिंग एकेडमी प्रेजेंट करता है इट इज प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी एट वाज स्टैब्लिश इन 1959 अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट इंडियन जिसको ग्रामीण अवार्ड मिला था आई थिंक यू नो अवार्ड आंसर उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड दिस ग्रामी अवार्ड ग्रामी अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ओके द रिकॉर्डिंग अकेडमी रिकॉर्डिंग अकेडमी प्रेजेंट करता है नाइनटीन फिफ्टी नाइन में स्टार्ट हुआ है उसर हुसैन फर्स्ट प्रेजेंटेड हुआ था और इस बार सबसे ज्यादा नाम रखने है बिल एलिस याद करना है बिल एलिस सबसे ज्यादा याद रखना है इस बार ओके यू ऑल हैव टू रिमेबर द नेम ऑफ बेलिस जिसका रिकॉर्ड ऑफ द इयर बैड गो एल्बम ऑफ द ईयर वेन हुई फॉल एसली वेर हुई डू गो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट तो हो गया यही उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर सॉन्ग ऑफ द ईयर भी हो गया बैड गॉइज बेस्ट रैप एल्बम देखो टेलर द क्रिएटर का एगोर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखो नेक्स्ट नोबल प्राइज़ में जाएंगे हम लोग नोबल प्राइज नोबल प्राइज तो याद है आप लोग हुआ था कब इट इज स्टार्ट फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड ज़ीरो वन नोबल प्राइज़ स्टार्ट इन नाइनटीन हंड्रेड जीरो वन and Nobel Prize in Economics started in 1969. 68 में instituted हुआ था लेकिन 69 में first दिया था Nobel Prize कितना discipline में देता ये भी question आएगा it is given in six discipline Nobel Prize given in six discipline ठीक है जिसमें हो गया physics physics हो गया chemistry हो गया physiology हो गया okay लिटरेचर हो गया एंड इकोनॉमिक्स दिस गिवन फ्रॉम द स्वीडन स्वीडन का कैपिटल स्टॉक हमसे देता है फिजिक्स केमिस्ट्री ओके साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी नॉट साइकोलॉजी इट इज फिजियोलॉजी लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स दिस इज गिवन फ्रॉम स्टॉक हम कैपिटल ऑफ स्वीडन एंड जो पीस है नोबल पीस प्राइज गिवन फ्रॉम ओसलो कैपिटल ऑफ नॉर्वे ओके नोबल प्राइज नाइनटीन वन में शुरू हुआ था तो ये क्वेश्चन में आएगा इनिशियली में एट इनिशियल स्टेज इन हाउ मेनी डिसिप्लिन नोबेल प्राइज वि इनिशियल स्टेज में फाइव डिसिप्लिन में दिया था बाद में सिक्स हो गया इकोनॉमिक्स बाद में एड किया गया है लेकिन नोबल पीस प्राइज देता है नॉर्वे से और बाकी देता है स्टोक ऑम स्वीडन ओके okay? स्वीडन का कैपिटल स्टॉक हम से आप देखो यहां पे नोबल प्राइज इसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में गुड इवनिंग गुड इवनिंग फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है देखो डॉक्टर हार्वे जे अल्टर इसका जो है ये जो अवार्ड्स है इसका पीडीएफ डीएफ डिस्क्रिप्ट लिंक में अपलोड कर दूंगा और डाउनलोड करना इससे प्रीवियस वीडियो का जो करेंट अफेयर्स है उसका भी पी अपलोड किया है वहाँ पे द्रोणास का यूट्यूब चैनल में जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है करंट अफेयर्स का जो सेशन है प्रोविंसल का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वहाँ पे सब में यूट्यूब में जो वी क्लासेस हुआ है उसमें सब में आपको पीडीएफ दिया है वो डाउनलोड कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स के लिए एन या कोई भी एग्जाम्स के लिए ठीक है देखो फिजियोलॉजी में याद करना किसको याद नाम याद करना है डॉक्टर हार्वे अबाउट डॉक्टर हार्वे का याद नहीं होता तो याद करना ब्लड सर्कुलेशन तो विलियम हार्वे ने किया था तो इस बार मेडिसिन दिया था डॉक्टर हार्वे लेकिन ये विलियम हार्वे नहीं है ठीक है हार्वे जे अल्टर है उसके बाद देखो माइकल होक्टन माइकल होक्टन एंड चार्ल्स एम राइस चार्ल्स एम राइस तो ये किस में मिला था इन लोगों को मेडिसिन में मिला था ओके okay? रिसीव नोबल प्राइज डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस इन लोगों ने क्या किया था हेपेटाइटिस सी वायरस अब यहाँ से एक करेंट क्वेश्चन भी आ सकता है वो डिस्कवर हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस किसने डिस्कवर किया ये क्वेश्चंस भी आ सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस किसने डिस्कवर किया ये क्वेश्चन भी आ सकता है देखो डॉक्टर हार्वे जे अल्टर माइकल होक्टन एंड चार्ल्स एमराइज इन लोगों को 2020 के लिए नोबेल प्राइज दिया था मेडिसिन में इन लोगों ने क्या किया था इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आईसीडीएस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आईसीडीएस का जो मेन्स है इसमें आ सकता है ये क्वेश्चन देख लेना ओके okay? और देख लेना हेपेटाइटिस सी डिस्कवर किया था नेक्स्ट देखो फिजिक्स फिजिक्स में देखेंगे हम लोग फिजिक्स में क्या रहेगा रोजर पेनरोस ओके रेन हार्ट जेंजुल एंड एंड्रिया गेज एंड्रिया गेज फिज़िक्स में अब आप लोगों को याद होगा नहीं होगा देखो एक बार अच्छे से रिविजन करना ये याद हो जाएगा ठीक है और नाम आर आर ए करके शर्ट में भी याद करना कभी कभी ये भी काम आ सकता है तो फिजिक्स आर आर ए करके भी याद रखना ठीक है रोजर रेनरिज एंड्रिया अगर ये तीनों का फुल नेम याद नहीं होता तो तीनों का वन नेम बना के भी याद कर सकते हो रोजर हो गया लेकिन जो मेन्स है डिस्क्रिप्ट है इसमें तो फुल याद करना पड़ेगा नाम लेकिन जिसका एम सी क्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एम सी क्यू आएगा उन लोगों के लिए तो ये याद करने से हो जाएगा रोजर रैन एंड्रिया क्लियर रिसीव फॉर दियर डिस्कवरीज डेट हैव इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है नोबल पीस नोबल प्राइज इन मेडिसिन क्यों दिया था इस बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है नोबल प्राइज मेडिसिन जो हेपेटाइटिस सी मेडिसिन में जो हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन डिस्कवर किया था उसके लिए मिला था अब फिजिक्स में क्यों क्यों मिल रहा है फिजिक्स में देखो क्या मिल रहा है और ये जो ब्लैक होल के लिए जो ब्लैक होल के लिए और इन लोगों ने क्या किया और इन जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट किया था डेवलप्ड किया था इसके लिए मिल रहा है इन लोगों को ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में किसको मिल रहा है केमिस्ट्री में देखो इमानुअल कारपेंटर एंड जेनिफर ए दौदना तो कारपेंटर जेनिफर एक कारपेंटर है केमिस्ट्री बनाने वाला ठीक है केमिस्ट केमिकल से जेनिफर ने क्या बनाया कारपेंटर बनाया कारपेंटर जेनिफर एक केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला कारपेंटर है याद करना जेनिफर एक केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला कारपेंटर है ओके, okay. क्लियर याद करना कि किस में मिल रहा है केमिस्ट्री में कैसे याद करना है जेनिफर एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करने वाला कारपेंटर है केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला कारपेंटर है तो केमिस्ट्री याद हो गया आर आर ए में हो गया फिजिक्स हो गया इससे पहले मेडिसिन में देखो वेरी हार्वे ब्लड सर्कुलेशन से हार्वे याद किया था हम लोगों ने और माइकल होंगट एंड चार्ल्स एम राइज राइस भी आप लोग बायोलॉजी से जुड़ सकता है ठीक है यहाँ पे आर आर ए हो गया फिजिक्स में और यहाँ पे तो क्या हो गया जैनिफिर केमिस्ट्री में क्या करने वाला केमिस्ट्री लैब में काम करने वाला क्या है ये कारपेंटर है ऐसा करके याद करना पड़ेगा ठीक है अब देखो यहाँ पे लिटरेचर में लिटरेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में देखो ये लिटरेचर पीस और मेडिसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है नोबल प्राइज में ये डब्लू पी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एम के प्रो ओके दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यू पी पी याद करना लिटरेचर में देखो लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में भी मिला था इस बार किसको मिला था लुइस ग्लूक को ठीक है लुइस ग्लूक मिला था वन ऑफ द अमेरिकन मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट है उसका एक फेमस पोएट्री था फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस एंड डैट विद द ऑस्टर beauty makes a individual existence universal. Okay, ये poetry का जो था इसी पोइट्री के लिए किसको मिला था लो लुई बोल सकते हैं हम लोग इसको क्या बोल सकता है? लुई ग्लोक को मिला था लिटरेचर में कहाँ से ये अमेरिका से ये भी याद करना पड़ेगा ठीक है ये कहाँ से वो भी याद करने से इम्पोर्टेंट रहेगा ये है अमेरिका में है और इसके साथ साथ देखो वो अभी नोबल प्राइज इन पीस तो पीस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीस में है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था इस बार जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले किया था लोगों के पास खाना पहुंचाने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए इसके लिए नोबल पीस प्राइज़ मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडकोर्टर बहुत बार पूछता है नोबल प्राइज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला उसका हेडकोर्टर हर एग्जाम में पूछता है तो इसका हेडकोर्टर है रोम इसका हेड क्वार्टर रोम में फाओ भी सुना होगा आप लोगों ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर है रोम इसका भी हेडक्वार्टर रोम है ओके okay? इसका भी हेडक्वार्टर रोम है और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर रोम है ये छोड़ के क्वेश्चन ये भी आ सकता है फर्स्ट इंडियन रिसीव नोबल प्राइज नोबल प्राइज फर्स्ट इंडियन किसको मिला था जस्ट कमेंट में आई थिंक याद होगा आप लोगों को उसके बाद में फिजिक्स में बोल रहा हूँ फिजिक्स में तो सी वी रामन को मिला था अभी क्वेश्चन ये भी ऐसा करके आता है ओके अभी क्वेश्चन द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स बोल के आता था लेकिन अभी क्वेश्चन कैसे आता है सी वी रमन को फिजिक्स में नोबल प्राइज कब मिला था ऐसा बोल के क्वेश्चन आ सकता है तो याद करना 1930 में सी वी रमन को मिला था फिजिक्स okay, में प्राइज के पीस में फर्स्ट मदर टेरेसा को मिला था याद होगा आप लोगों को मदर टेरेसा ये भी मिला था 1979 में पीस में मिला था मदर टेरेसा को ईयर होगा वेरी गुड रविंद्रनाथ टैगोर मोना लिसा ओके okay, फिर भी देखो <coughs> सीवी रमन को कब मिला था 1930 हो गया मदर टेरेजा हो गया नाइनटीन सेवनटी नाइन सब बोल रहे रविंद्रनाथ टैगोरे फर्स्ट वन तो डेट भी याद होगा आप लोगों को 1913 थर्टीन गीतांजलि बुक के लिए लिटरेचर में मिला था वो नॉट ओनली इंडिया का फर्स्ट था वो नॉन यूरोपियन फर्स्ट था लिटरेचर में नोबल प्राइज पाने वाला ठीक है फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर भी रविन्द्रनाथ टैगोर था याद करना सी वी रोमन हो गया 1930 थर्टी मदर टेरेजा पीस में मिला था ओके okay? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है कि मदर रेजा को नोबल पीस प्राइज कब मिला था ये क्वेश्चंस क्या होगा 1979 आंसर होगा उसके बाद हॉर गोविंद खुराना नाम सुना होगा किस में मिला था खुराना को हर गोविंद खुराना को भी याद होगा आप लोगों को 1968 में मिला था मेडिसिन में मेडिसिन में को 1968 में मिला था मेडिसिन में ये भी बहुत ही है क्लियर तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस क्वेश्चन अब मुझे बताओ केमिस्ट्री में फर्स्ट किसको नोबेल प्राइज मिला था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में फर्स्ट किसको नोबेल प्राइज मिला था और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट किसको नोबेल प्राइज मिला था जस्ट कमेंट में केमिस्ट्री में फर्स्ट किसको मिला था और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था याद करना सीवी रामन हो गया थर्टी में मदर टेटेज सेवेंटी नाइन बहुत इम्पोर्टेंट डेट है याद करना खुराना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वे भी याद करना फर्स्ट मेडिसिन में था ओके फर्स्ट मेडिसिन में था उसके बाद मदर टेर अमरता सेन यस इकोनॉमिक्स में अमरता सेन को मिला था आई थिंक डेट याद होगा 1998, 1998 और रिसेंटली इकोनॉमिक्स में किसको मिला था आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे रिसेंटली इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज किसको मिला था जस्ट कमेंट में रिसेंट ईयर में किसको मिला था अमिताभ घोष को मिला था और एस्तर को हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है okay. ओके तो ये फूड का भी याद करना इस बार जो फूड है नोबेल प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था इसका हेडक्वार्टर पे? रोम में है क्लियर नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग देखो नेक्स्ट में है इकोनॉमिक साइंस में देखो ये 2020 थाउजेंड ट्वेंटी का डिस्कस हो रहा है पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी वल्सन को मिला था ये नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स ओके इकोनॉमिक साइंस में ओके okay, तो याद करना उन लोगों ने ऑक्शन का न्यू फॉर्मेट इन्वेंशन किया था इसके लिए मिला था उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एबल प्राइज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है एबल प्राइज तो इट इज ऑल्सो कॉल देखो नोबल प्राइज तो मैथ में नहीं दिया गया था कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नोबल प्राइज इज नॉट गिवन विच द फॉलोइंग फील्ड बोल के क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो मैथमेटिक्स में क्या नहीं मिलेगा आप लोगों को नोबल प्राइज में नहीं मिलेगा लेकिन जो एबल प्राइज है इट इज ऑल्सो कल नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स क्योंकि ये भी एक चीज याद करना सिमिलरिटीज क्या है इट इज ऑल्सो गिवन बाई नॉर्वे गवर्नमेंट ये भी नॉर्वे गवर्नमेंट ही देता है ये भी अवार्ड ओके एबल प्राइज ऑल्सो गिवन फ्रॉम दोवे गवर्नमेंट वहाँ का एक फेमस मैथमेटिशियन था एन के एबल्ड एन के एबल्ड ओके उसका नाम में ये अवार्ड दिया जाता है याद करना एन कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका नाम में ये अवार्ड ठीक है एन के एबल याद करना एन के एबल के नाम एबल प्राइज ओके तो एबल प्राइज याद करना 2020 का क्या है हिलिल, हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम इसराइल का जो एक यूनिवर्सिटी है फेमस यूनिवर्सिटी है हेब्रू यूनिवर्सिटी जेरूशलम में है ठीक है वहाँ का एक प्रोफेसर है उसको मिला था ये हेल और नेक्स्ट देखो ग्रीगोरी मार्गुलिस ग्रेगोरी मार्गुलिस यल यूनिवर्सिटी यूएस ए का न्यूयॉर्क में है ये यूनिवर्सिटी ये भी फेमस यूनिवर्सिटी है ये दोनों यूनिवर्सिटी का मैथमेटिशियन को टू तो थाउजेंड ट्वेंटी के लिए क्या मिला था एबल प्राइज मिला था ठीक है एबल प्राइज मिला था टू तो थाउजेंड ट्वेंटी के लिए नेक्स्ट देखो और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या है अस्कर अवार्ड्स अस्कर अवार्ड देख लो एक बार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड तो अस्कर अवार्ड किस कौन सा कैटेगरी में देता है ये तो आप लोगों को याद होगा शायद इट इज गिवन इन फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में दिया जा जाता है इट इज गिवन इन फिल्म इंडस्ट्री अस्कर अवार्ड गिवन इन फिल्म इंडस्ट्री ओके तो इसमें याद करना इंडियन का फर्स्ट जो इंडियन फर्स्ट इंडियन जिसको क्या मिला था अस्कर अवार्ड मिला था उसका नाम भी याद करना फर्स्ट इंडियन जिसको ये ऑस्कर अवार्ड मिला था ये क्या हो गया वानू आटिया को मिला था याद है आप लोगों को आंसर वानु आटिया ए टी आई वाई ए वानु आटिया को फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो रिचर्ड एटनबर्ग का एक मूवी था गांधी रिचर्ड एटनबर्ग का द गांधी नाम का एक मूवी था उसी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए 1882 में 1882 में इसको वानु आटिया को फर्स्ट इंडियन जिसको क्या मिला था ऑस्कर अवार्ड मिला था ठीक है तो ऑस्कर अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इट दिस अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड है इट इज प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस एकेडमी ऑफ मोशन ओके पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ये ऑर्गेनाइजेशन है दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंटेड एवरी ईयर फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ऑनवर्ड नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ये अस्कर अवॉर्ड इंस्टीट्यूटेड हुआ था दिस ऑस्कर अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन उससे एवरी ईयर एवरी ईयर ये अवॉर्ड दिया जाता है ठीक है और टू थाउजेंड ट्वेंटी का देखो इसमें जो बेस्ट पिक्चर है बेस्ट पिक्चर किसको मिला है पैरासाइट को, को मिला है बेस्ट पिक्चर इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी अवार्ड में मिला है पैरासाइट को मिला है नेक्स्ट देखो बेस्ट एक्टर इन रीडिंग रोल जो लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर है जैकुन फनिक्स को मिला था जोकर मूवी के लिए उसके बाद एक्ट्रेस में देखो बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में सपोर्टिंग रोल नहीं लीडिंग रोल में देखो रेनी जेलविगर ठीक है जोड़ी फिल्म के लिए मिला था जोड़ी फिल्म के लिए मिला था ये तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर याद करना ब्राडप्रीट आप लोगों को नाम याद है सपोर्टिंग एक्टर के मिला था कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि लीडिंग रोल में किसको मिला था सपोर्टिंग रोल में किसको मिला था सपोर्टिंग रोल में किसको मिला था ब्रैड पिट ब्राडप्रीट एकदम रिलिंग क्या करता है वो लीडिंग रोल करता है किसमें फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड में ठीक है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी के लिए इसको ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो ये अवार्ड मिला था 2020 थाउजेंड ट्वेंटी अस्कर अवार्ड में फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ देखो अस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म क्षेत्र में मिलता है ठीक है ये 1929 से इंस्टीट्यूट हुआ ये अमेरिका से दिया जाता है और ये जो प्रेजेंटेड करता है ये अकाडमी का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंटेड करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस प्रेजेंट करता है इंडिया का फर्स्ट अवार्ड ही भी याद करना इंडिया का फर्स्ट अवार्ड ही है भानु आटिया 1882 में जो रिचर्ड अटनबॉक का एक मूवी था गांधी मूवी उसका एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर था उसको मिला था और 2020 का तो ये हो गया बेस्ट पिक्चर तो हो गया पैरासाइट बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में हो गया जैकोइन फिनिक्स बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल हो गया रेनी जेलविगर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में है ब्राडपीट ओके ब्राडपीठ का मूवी याद करना वंस ओपन टाइम इन हॉलीवुड और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल में देखो लूरा देन मैरिज स्टोरी उसका मूवी है तो मोस्टली ये पांच एक्ट्रेस याद करना है उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी आता है लाइक और फॉरेन मूवी कौन था एनिमेशन मूवी में से आता लेकिन दिस फाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट बेस्ट पिक्चर बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उसके बाद कब इंस्टीट्यूट हुआ कहाँ से दिया जाता है इंडिया का फर्स्ट रेसिपेंट कौन है ये अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा देखो यहाँ पे मैंने और चीज़ दिया हो क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस अभी जो भी एग्जाम है उसका सिलेबस वास्ट है अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैंने कुछ डिटेल्स में भी दिया हूँ यहाँ पे नंबर सेवन में देखो सिनेमाटोग्राफी में किसको मिला है नाइनटीन सेवेंटीन नाइनटीन सेवेंटीन जो मूवी है रोजर डिकिन्स उसका मूवी में मिला है सिनेमोग्राफी ठीक है डायरेक्टर या डायरेक्टिंग में किसको मिला है? देखो बोंग जून हो कौन सा मूवी के लिए पैरासाइट मूवी के लिए मिला है बेस्ट डायरेक्टर डायरेक्टिंग में डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री में दो टाइप का अवार्ड दिया था इस बार एक फीचर्स फिल्म के लिए एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है फीचर्स फिल्म के लिए भी अवार्ड दिया था शॉर्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए भी अवार्ड दिया था शॉर्ट सब्जेक्ट में देखो फीचर्स फिल्म देखो अमेरिकन फैक्ट्री अमेरिकन फैक्ट्री एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और देखो नेक्स्ट ये नेक्स्ट कैटेगरी में दिया था लर्निंग टू दी Skateboard in a war zone, in a war zone. Clear? Next देखो ये इंटरनेशनल फीचर्स में भी parasite को मिला था ये साउथ कोरिया से मूवी था तो ये भी इंपॉर्टेंट है questions भी बहुत इंपॉर्टेंट याद करना और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में हेयर लव हेयर लव ओके ये हो गया किसका अस्कर award से इंपॉर्टेंट questions जो जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए questions ठीक है नेक्स्ट देखो भानु आचिया जो है सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया 1982 ओके okay? 1982 1982 में याद करना ठीक है क्लियर अनुपम रोय नेक्स्ट देखो 1982 होगा वो हो। और नेक्स्ट मेन बुकर प्राइज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन बुकर प्राइज 2020 देखो एक होता है बुकर प्राइज होता है एक मेन बुकर प्राइज भी बोल सकता है ठीक है बुकर प्राइज को हम लोग मेन बुकर प्राइज भी बोलेंगे और दूसरा होता है दूसरा होता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दूसरा होता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइस ओके तो बुकर प्राइस को मेन बुकर भी बोलेंगे वो देता है कहाँ से इंग्लैंड से देता है ठीक है जो बुकर प्राइज़ है वो कहाँ से देता है इंग्लैंड से देता है याद करना ठीक है और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का जो है इंग्लिश में जो नोबेल लिखा है ओके विच वो कहाँ से पब्लिश है अगर यूके से पब्लिश है या आयरलैंड से पब्लिश है उसी को क्या मिलेगा जो यूके से पब्लिश है या आयरलैंड से जो पब्लिश है उसी बुक को उसी बुक को बुकर प्राइज मिलता है लेकिन मेन बुकर प्राइज मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दूसरा प्राइज है वो कोई भी नॉवल इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है या कहीं भी देश में इंग्लिश में लिखा हुआ नॉवल है उसमें मिलेगा मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ओके तो मेन बुकर प्राइज के बुकर प्राइज के लिए वो कहाँ से होना पड़ेगा सिर्फ इंग्लैंड से या आयरलैंड से पब्लिश होना पड़ेगा यूके या आयरलैंड से पब्लिश होना पड़ेगा और इंग्लिश में होना पड़ेगा बुकर प्राइज के लिए और मेन बुक और इंटरनेशनल प्राइस के लिए कोई भी लैंग्वेज का बुक है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है या इंग्लिश में बाहर देश का भी कोई बुक है उसको मिलेगा मेन बुक और इंटरनेशनल प्राइज देखो क्लियर ये कहां से होना पड़ेगा इधर इधर यूके से या आयरलैंड ओके आधर यूके से और आयरलैंड से ये भी फर्स्ट 1969 में शुरू हुआ था ये बुक ऑफ प्राइज ये ऑल्सो कब शुरू हुआ था 1969 में शुरू हुआ था ओके द बुक ऑफ प्राइज ऑफ द ईयर 2020 वाज थाउजेंड बाय वॉज ओन बाई ड ने जीता ये बुक उसका एक डेब्यूट बोल था स्लॉगी ब्रेन स्लॉगी ब्रेन किसका है ये क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर पे भी क्वेश्चन आएगा जो स्लॉगी ब्रेन बुक है ये किसने लिखा है स्लोगी ब्रेन बेन बी एन ठीक है ये बुक किसने लिखा है ये क्वेश्चन भी आ सकता है ओके okay, तो इसका आंसर होगा डॉगलस स्टुअर्ट उसका एक डेविड नोबल है इसी के लिए उसको क्या मिला था ये बुकर प्राइज मिला था शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज कंसिस्ट ऑफ फाइव मोर टाइटल ब्राउन शुगर उसका उसके बाद देखो ब्राउन शुगर वॉज पब्लिस्ड इन इंडिया एज इसका इंडियन वर्सन देखो क्या है गर्ल इन वाइट कटन ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो ब्राउन शुगर है ओके okay, ब्राउन्सुगर का जो इंडियन वर्सन में जो पब्लिश हुआ है वो बुक का नाम क्या है ये बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आंसर क्या होगा द गर्ल इन वाइट कटन क्या होगा आंसर द गर्ल इन वाइट कटन होगा ओके okay? इसमें क्या होगा इट इंक्लूड्स द न्यू वर्ल्ड बाय देन कुक द नेक्स्ट देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज आ गया अभी ये दूसरा चीज है इंटरनेशनल ये बाद में स्टार्ट हुआ था ये 2005 में स्टार्ट हुआ ठीक है मेन बुकर जो प्राइज है 1969 में शुरू हुआ था लेकिन जो इंटरनेशनल प्राइज है ये ही स्टार्ट हुआ था 2005 में क्लियर उसके बाद देखो नेक्स्ट 2020 में डिसकंफर्ट ऑफ लिविंग रिटर्न बाय मेरिकल लुकर्स ओके रीज एंड वेल्थ एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम डच बाय माइकल होटसिचन उसने ये अनाउंस किया था ये इसको उसको अनाउंस दिया 2020 का मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज का विनर माइकल हुडीचोन याद करना माइकल ओके जिसने ट्रांसलेट किया था ये बुक उसके बाद देखो फीफा व्हाट फीफा का फुल फॉर्म याद होगा आप लोगों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हेड क्वार्टर याद होगा मुझे एक बार कमेंट में प्रेसिडेंट कौन है अभी फीफा का हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा प्लीज कमेंट कर देना एक बार ओके okay? उसके बाद देखो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड प्लेयर्स ऑफ द ईयर जो मेंस में ये 2020 का नहीं है ट्वेंटीन का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है 19 का याद करना फिर ओके okay, क्योंकि 19 में 20 में तो बहुत सारा स्पोर्ट्स इवेंट्स भी नहीं हुआ था इसलिए 2019 में जो जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में ठीक है यहाँ पे देखो फीफा जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में ओके ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में ये एवरी ईयर क्या देता है ये अवार्ड देता है ठीक है तो 2019 में जो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जो मेन्स कैटेगरी में दिया था लेन मिस्सी को मिस्सी नाम तो सुना है अर्जेंटीना दस नंबर का खिलाड़ी है कंट्री है अर्जेंटीना क्लब है बार्सिलोना ये भी याद करना ये भी इंपॉर्टेंट है ओके okay, कौन सा क्लब बार्शि लेनो मेसी प्ले करता है या फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स बोल के क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो उसने किसको हरा दिया था इसको इसने मोस्टली उसका अपोनेंट में क्रिस्टनो रोनाल्डो एक दावेदार था ओके जो यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं होगा ठीक है यहाँ पे होगा पोर्टुगल होगा सॉरी क्लियर ओके सर ठीक है अर्जेंटीना एंड बार्सिलोना फॉरवर्ड हाँ ये बोल रहा है मिससी के बारे में बोल रहा है अर्जेंटीना एंड बार्सिलोना फॉरवर्ड बीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टन रोनाल्डो कौन सा क्लब से मुझे बताओ पोर्टुगल से कौन सा क्लब से प्ले करता है वेरी इजी है ये भी एंड लिवरपूल डिफेंडर ओके वेरगिल वेन डिज के ये अवार्ड में उसको हराया था नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है फीफा में जो वुमेंस कैटेगरी में प्लेयर्स ऑफ द ईयर किसको मिला था वुमेन्स कैटेगरी में ओके, वुमेन्स कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला था देखो मेगन रेपोनी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट देखो लोरेट्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल प्राइज इन स्पोर्ट्स तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है विच अवार्ड इज कॉल्ड विच अवार्ड इज कॉल्ड नोबल प्राइज इन स्पोर्ट्स वेरी गुड राहुल गुरुंग जुवेंटस यहां पे देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है विच इज किसको नोबेल प्राइज इन स्पोर्ट्स बोलेंगे किसको बोलेंगे अवार्ड जो है इसको हम लोग नोबल प्राइज ऑफ स्पोर्ट्स बोलेंगे इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर भी किसको मिला था देखो लुइस हेमल्टन ये मोटर रेसिंग से आप लोगों को याद होगा ही बिलोंग्स टू विच कंट्री ये भी क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा देश से यूके से लुइस हेमल्टन फ्रॉम यूके ठीक है ओके प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को पीडीएफ डी भी मिलेगा इसके बाद में टोटल अवार्ड्स के ये तो हो गया स्पोर्ट्स से या मोस्टली अवार्ड दिया है उसके बाद मैं स्पोर्ट्स से और एक वीडियोस बनाऊंगा जो टू तो थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का टोटल रहेगा संतोष ट्रॉफी लेके रॉन्जी ट्रॉफी लेके सब क्वेश्चन आएगा देवधर ट्रॉफी हो गया ओके okay. आई हो गया आई एस यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द दैन में तो दो जन हो गया लुइस हैमिल्टन इज फ्रॉम यूके एंड मेसी जो है मेसी को अगेन ये अवार्ड मिला था he, वो तो अर्जेंटीना से अभी बोल दिया आप लोगों को याद है नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में किसको मिला था ओके सिमोन बेल्स को मिला था सीज़ फ्रॉम यू एस ए ये याद करना और यू एस ए से जिम्नास्टिक है ठीक है यू एस ए से क्या है जिम्नास्टिक है इंडिया का फेमस जिमनास्टिक जिसने आ, रियो ओलंपिक 2016 में रिप्रेजेंट किया था उसका नाम मुझे कमेंट में बताओ इसने फोर्थ पोजीशन हासिल किया था ओलंपिक गेम में फर्स्ट वुमेन है जो पार्टिसिपेट करने वाला और फोर्थ फोर्थ रैंक पहुंचने वाला भी 2016 देखो, World team of the Year किसको मिला था ये अवॉर्ड मिला था साउथ अफ्रीका रॉकबे टीम लास्ट क्लास मैंने एक बताया था रॉकबे में कितना प्लेयर्स होता है हाउ मेनी प्लेयर्स दियर इन रॉकबे क्योंकि रॉकबे में एक टीम ही में कितना प्लेयर्स होता है फिफ्टीन प्लेयर्स होता है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है करेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स पर्सन डिसेबिलिटी ये भी डिसेबल पर्सन है जिसको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था वो है ओका ओके ओक्साना मास्टर्स क्रॉस कंट्री स्कीइंग का है वो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे भारत रत्न 2020 का नहीं हुआ है भारत रत्न कमेंट नहीं आया तो कौन सा जिम्नास्ट जिम्नेस्ट था इंडिया का जो रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट किया था और वेरी इंप्रेसिव टूर्नामेंट रहा था उसको वहां पे देखो भारत रत्न ये भी याद होगा आप लोगों को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्टार्ट इन 1954 1954 में स्टार्ट हुआ था ये भारत रत्न अवार्ड 1954 में भी थ्री पर्सन को मिला था आपको याद होगा सी राजा गोपाल आचार्य सी वी रमन एस राधा कृष्णन एस राधाकृष्णन सी वी रामन एंड सी राजा गोपाल आचार्य को भी 1954 में 1954 में ये अवार्ड मिला था ठीक है कौन सा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है ये अवार्ड और 2019 में देखो भूपेन हजारी का कौन है ये, ये पोस्टमोस्टली मिला था मतलब वो तो पहले डेथ हो चुका था बाद में उसको अवार्ड दिया गया

नॉन फॉर हिज कंस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बोलेंगे जिसको ठीक है नानाजी देशमुख यास करना है दोनों को पोस्टमोस मिला था पोस्टमोस मीन्स अवार्ड विज गिवन आफ्टर देथ ओके आफ्टर देथ कोई भी अवार्ड दिया जाता है उसको बोलेंगे पोस्टमोस वो मीन्स होगा दीपा कर्माकर होगा या करना ठीक है दीपा कर्माकर को बेस्ट अभी तक इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था जिमनास्टिक में रियो ओलंपिक में ओके फुटबॉल ऑफ द ईयर रन्स वन ईयर अहेड लाइक मिश होन ओके नेक्स्ट देखो प्रणब मुखर्जी Pranab Mukherjee. he became a India's youngest finance minister. very important question है यहाँ पे, who is the India's youngest finance minister? answer होगा Pranab Mukherjee. okay? 1982 में as the age of 47, वो बाद में railway minister भी हुए थे, okay? और president भी थे, clear? from 2004, he went onto the head of three crucial ministries. तो ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि प्रणब मुखर्जी कौन सा मिनिस्ट्री में नहीं थे याद करना कौन से कौन से मिनिस्ट्री में थे याद करना फिनेंस मिनिस्ट्री हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी थे डिफेंस में भी थे ठीक है क्या क्या में थे फिनेंस हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस में भी थे और वो ही वॉज द थर्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके रिसेंटली उसका डेथ भी हो गया अकॉलिशन ईयर उसका एक फेमस बुक है अकॉलिशन ईयर किसका प्रणब मुखर्जी का एक फेमस फेमस बुक है क्वालिशन ईयर इसका प्रणब मुखर्जी का ठीक है नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देखो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इससे पहले मैंने अपलोड किया था फिर भी करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाइस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया है ओके इस बार रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है इंडिया का वाइस कैप्टन भी है मुंबई इंडियंस जो आईपीएल टीम इसका कैप्टन है श्री मरियापन पैरा एथलीटिक्स है पैरा एथलीटिक्स है मनिका वात्रा टेबल टेनिस प्लेयर है विनेस फोगाट रेसलर है रानी रामपाल इंडिया का वुमेंस हॉकी टीम का एक एक यह है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इन पांच लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था अभी तक का हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ठीक है इन टर्म्स ऑफ नंबर में अभी तक सबसे हाईएस्ट है ये ओके okay? रोहित शर्मा क्रिकेट में मिला था महेर पन पैरा एथलेटिक्स मनिका बाद्रा टेबल टेनिस विनिस फोकोट रेसलिंग रानी रामपाल हॉकी में राज क्या मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसके बाद देखो द्रोणाचार्य अवार्ड एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सा फील्ड में देता है ये भी स्पोर्ट्स में एक किसको दिया जाता है ये दिया जाता है कोचेस को जो स्पोर्ट्स कोच है उसको दिया जाता है ठीक है इसमें देखो श्री धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी का जो है ओके श्री पुरुषोत्तम राय ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्री पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स में दिया था एथलेटिक्स का कोच है इंडियन एथलेटिक्स का कोच है इंडियन एथलेटिक्स का कोच है पुरुषोत्तम राय क्यों इम्पोर्टेंट है ये नोबल सॉरी ये द्रोणाचार्य अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ट्वेंटी अगस्त को दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे का दिन ठीक है नेशनल स्पोर्ट्स डे ट्वेंटी अगस्त में दिया जाता है ये लेकिन ये क्या हो गया था पुरुषोत्तम राय वन डे बिफोर ऑफ दिस अवार्ड ट्वेंटी अगस्त में ही हुआ था इसके लिए ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है पुरुषोत्तम राय को कौन सा अवार्ड मिला था ये क्वेश्चन भी आ सकता है या कौन सा स्पोर्ट्स फील्ड का कोच है ये भी आ सकता है या कब इसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था कब टू के लिए टू थाउजेंड के लिए ये मिला था वो एथलेटिक्स है एथलेटिक्स का कोच है द्रोणाचार्य अवार्ड अवार्ड कोचेस को दिया स्पोर्ट्स कोच को देता है ठीक है शिव सिंह याद है बॉक्सिंग का कोच है श्री रोमेश पंथनिया हॉकी का कोच है, ये लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए मिला ठीक है एक्टिव के लिए नहीं ये लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए उसके बाद श्री कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी का जो कोच है उसके बाद देखो विजय बालचंद्र मुनीश्वर पैरा पार लिफ्टिंग है उसको भी मिला था ये नेक्स्ट देखो श्री नरेश कुमार टेनिस का कोच है ओम प्रकाश धानिया रेसलिंग से फॉर रेगुलर कैटेगरी में मिला था देखो जूट फ्लेक्स सेविस्टेन इंडिया का जो हॉकी कोच है वो है यंगेस मालविया ओके okay, मलकंप श्री जसपाल राणा शूटिंग से है श्री कुलदीप कुमार हुडू ओके उग चुका है एंड श्री गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन से ये भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद देखो अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड तो बहुत ज्यादा को मिला था जो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को देता है अर्जुन अवार्ड ये किसको देता है एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को देता है इसमें सम इम्पोर्टेंट फेमस प्लेयर्स का नाम याद रखना है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे यहाँ पे क्या दिया है देखो श्री अतानुदास दे है ना श्री अतानु दास तो क्वेश्चंस क्या आएगा श्री अतानुदास एसोसिएट विथ स्पोर्ट्स ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है आप लोग कमेंट्स नहीं आ रहा है मुझे आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा साउंड क्लियर होगा इफ क्लियर है तो प्लीज लाइक like कर देना एक बार ओके okay? ठीक है ओके okay. नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा देखो अतानु दास एसोसिएट टू विच स्पोर्ट्स आंसर क्या होगा आर्चरी होगा अर्जुन अवार्ड मिला था दूती चांद एथलीट्स से ठीक है स्वस्तिक साइराज रान क्रेडी बैडमिंटन है चिराग चंद्रशेखर सेट्टी से बैडमिंटन है ओके विनेस ब्रिगुवंसी बास्केटबॉल है सुबेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग है ओके मिस नीला बॉर्गोहन बॉक्सिंग है श्री ईशांत कुमार ईशांत कुमार शर्मा सर ईशांत कुमार नहीं ईशांत शर्मा वो क्या है क्रिकेटर है इंडिया का दो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिकेटर से पूछता है क्रिकेटर अच्छे से याद करो क्योंकि इंडिया में क्रिकेट फेमस है एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स ठीक है उसके बाद देखो दीप्ति शर्मा भी वुमेन्स क्रिकेट का एक इम्पोर्टेंट क्या है प्लेयर्स है उसको भी मैं मिला था उसके बाद देखो श्री सावंत अजय अनंत उसको भी क्या इसमें मिला था देखो इक्विश ट्रेन में मिला था संदेश जिंगलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का फेमस फुटबॉलर है आई में भी बहुत प्लेयर अच्छे से प्ले करता है फुटबॉलर है इंडिया का जो अदिति अशोक है इंडिया का गोल्फ प्लेयर है ने को गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक उसको भी मिला था ये भी इम्पोर्टेंट है फेमस है ओके okay. आकाशदीप सिंह हक्की है दीपिका हक्की है दीपक कबड्डी दीपक होडा तो दीपक होडा फिर याद करना वो कबड्डी नहीं वो क्रिकेट है लेकिन ये दीपक दिया यहाँ पे कबड्डी के लिए मिला था ओके okay. तो ये सब आप लोगों को दे यहाँ पे सब कोई इम्पोर्टेंट भी है कोई जस्ट आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद करना पैराथलिटिक्स का नाम भी याद करना वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ओके और टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन लोगों ने कोई ने नैशनल और इंटरनेशनल इवेंट जीता है तो उसका नाम याद करना क्योंकि बहुत सारा है किसमें राजीव गांधी सॉरी अर्जुन अवार्ड में ठीक है एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है किसको दिया जाता है दिस अवार्ड गिवंस टू एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन क्लियर उसके बाद देखो लोगों कमेंट्स तो नहीं देख रहा है कमेंट्स आ रहा है क्या अभी सुनाई दे रहा है सब लोगों को ध्यानचंद अवार्ड ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ये ठीक है ये भी सम इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स है जो इसका नाम याद करना मैं आप लोगों को ये पी दे दूंगा अपलोड कर दूंगा और डाउनलोड करके एक बार देख लेना अच्छे से ठीक है यहाँ पे सब का डिटेल्स में याद करना नहीं है उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि नंबर फाइव में देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये किस को मिला है ये पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है ठीक है चंडीगढ़ में है तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स टू का कितना पार्ट्स होता है ये भी याद करना टू पार्ट्स होता है एक लैंड एडवाचर्स एडवेंचर्स होता है और दूसरा वाटर एडवेंचर्स होता है ठीक है उसके बाद देखो राष्ट्रीय खेल प्रोत्सथन पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कैटेगरी फॉर इंटिटी रिकमेंडेड फॉर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरस्कार 2020 आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड यंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड नोचरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड यंग टैलेंट ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को मिला था ये राष्ट्रीय ओके प्रस्थान पुरस्कार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय प्रस्थान पुरस्कार लॉक्श इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट नेक्स्ट देखो इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ओ को मिला था यह अवार्ड दिस अवार्ड गिवन टू ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन नेक्स्ट इंप्लॉयमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स ए एस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला था यह इम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट में मिला था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को ये अवार्ड मिला था ठीक है ओके आज के लिए ये इतना ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को पी डाउनलोड करना और पढ़ाई कर लेना ठीक है इससे पहले जो वीडियोस था उसमें भी मैंने पीडीएफ दे दिया हो वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हो ठीक है वो वो भी देख लेना एक बार क्लियर ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विदास हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होगा टिल देन गुड बाय टेक केयर